श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का अपना उपाय शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी दुकान में क्या चीज रखनी है जिसके करने से आपकी दुकान में जीवन भर ग्राहक कभी कम नहीं होंगे। अगर आप यह उपाय करते हैं तो यह उपाय इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि उपाय करने के कुछ समय बाद ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जो भी भक्त ये कहते हैं कि जिनके साथ समस्या अक्सर लगी रहती है, दुकान में ग्राहक नहीं आते या बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता, तो आपने यह उपाय करना है और भगवान की कृपा से इस उपाय को करने के कुछ समय बाद ही आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। जो दर्शक पहली बार ज्योतिष मिराकल पर आए हैं, अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो सभी भक्त हाथ जोड़ करके देवी मैया को नमस्कार करेंगे, उसके बाद आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आपके साथ उपाय शेयर करता हूं। अगर आपको लगता है आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते या आपका काम जैसा चलना चाहिए वैसा आपका काम नहीं चलता, या अगर आपको पता है कि आपकी दुकान पर टोक लगी हुई है, आपकी दुकान में नजर का दोष बना हुआ है, आप अपनी दुकान में बहुत मेहनत करते हैं, आपने अपनी दुकान में सारा सामान रखा हुआ है, आपकी दुकान फिर भी नहीं चलती, तो अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह उपाय इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि बहुत ही कम दिनों में इसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। प्यारे साथियों, आपने अपनी दुकान में एक नियम बनाना है। जो कार्य अभी बता रहा हूं उसी अनुरूप आपने कार्य करना है, क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका आपको रिजल्ट तभी देगा जब वह सही विधि से किया जाता है, सही समय पर, सही भाव से और सही तरीके से किया गया उपाय फल देने वाला होता है, अन्यथा उपाय का कोई भी फल नहीं मिलता। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के मेल, उनके कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी, जो उपाय आपने बताया था हमने उपाय को भी किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कई बार आप उपाय को ध्यान से सुनते नहीं, उपाय किस टाइम करना है, उपाय को किस दिन करना है, उपाय में क्या क्या बताया गया है। अक्सर आप जल्दबाजी में वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसके कारण कोई ना कोई उपाय का महत्वपूर्ण पार्ट आपसे मिस हो जाता है, तो उपाय करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलता। तो मैं हर एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एपिसोड को ध्यान से देखें। उपाय हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लेकर के आते हैं, जब उपाय करने का फल आपको मिलेगा तभी हमारा एपिसोड बनाने का उद्देश्य सफल हो पाता है। तो चलिए अब आज के उपाय पर आते हैं। आपने तुलसी के दो पत्ते लेने हैं। दो तुलसी के पत्ते लेकर के जहां पर आपकी दुकान का मंदिर है उस मंदिर में आपने विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने उनको अर्पण करना है। दो तुलसी के पत्ते केवल रविवार का दिन छोड़कर सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन दो पत्ते तुलसी के लगातार अपनी दुकान में विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने ओम प्रभु विष्णवे नमः, ओम प्रभु विष्णवे नमः ऐसा बोलते हुए अर्पण करने हैं।
जो पुराने पत्ते हैं, जो पिछले दिन के पत्ते हैं, उनको आप पानी में प्रवाहित कर दें, नए दो पत्ते उनकी जगह रख दें। लगातार कम से कम 21 दिन, बीच में संडे छोड़ना है, संडे छोड़ करके लगातार 21 दिन आपने यह उपाय करना है। तुलसी के पत्ते साफ होने चाहिए, कटा हुआ या फटा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। तो लगातार 21 दिन आप इस काम को करें, बहुत जल्दी उपाय को करने के कुछ समय पश्चात ही इसके शुभ रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। आपकी दुकान में इतने ग्राहक आएंगे कि आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। इस उपाय के करने से ऐसे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। उपाय करते वक्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपने भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, बाहर की कोई वस्तु नहीं खानी है, घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन आपने ग्रहण करना है, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। जब तक आप उपाय कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है जब तक आप यह उपाय कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, उपाय को करते वक्त जैसा हमारे मन का भाव होगा, जैसी हमारे मन की श्रद्धा होगी, उसी अनुसार उपाय करने का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो उपाय आप करते हैं जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, तो उपाय के साथ नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उपाय से भी ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है, बिलीव इन कर्मा। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप कर्म करेंगे, तो हो सकता है कभी आपको उपाय का सहारा ही ना लेना पड़े। लेकिन मेहनत करने के पश्चात भी अगर कार्य नहीं बन रहा है, तो उपाय करें, प्रभु की कृपा से सभी कार्य सफल होंगे। तो मैं आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। क्योंकि जब आप एपिसोड को शेयर करते हैं तो वह आगे भी पहुंचता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही आपसे। अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, और प्रभु की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।